एआई मार्केटिंग के बारे में सबसे लोकप्रिय परियों की कहानियाँ। जैसा कि हम जानते हैं, जब दुनिया में कुछ बिल्कुल नया दिखाई देता है, कुछ ऐसा जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं था, लोग अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया करते हैं। कुछ लोग डरते हैं, दूसरे प्रशंसा करते हैं, दूसरों को समझ में नहीं आता है। विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं एक बड़ी सूचनात्मक अराजकता उत्पन्न करती हैं। सबसे ज्यादा घबराए हुए लोग अपने डर को साझा करना शुरू कर देते हैं और अनुमानों, चूक और गलतफहमियों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। इस स्थिति में निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे जिनके लिए जो कुछ भी होता है वह बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि वे गपशप फैला सकते हैं जो उनके लिए फायदेमंद है, ताकि लोगों को उन परियोजनाओं के लिए निर्देशित किया जा सके जिनकी उन्हें आवश्यकता है। तो यह पता चला है कि डर में लोगों पर संदेह करना जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। सबसे निंदक लोग दूसरे लोगों के डर से लाभान्वित होते हैं और सबसे सक्षम लोग इन घोटालों और कपटपूर्ण प्रस्तावों से जितना संभव हो उतना दूर हो जाते हैं। तकनीकी विफलताओं और कॉन्फ़िगरेशन की अवधि के दौरान एआई मार्केटिंग में ठीक यही होता है। अब हम क्या देखते हैं? एआई मार्केटिंग ने दुनिया भर में अपने आसपास बहुत सारे सक्रिय और सक्षम भागीदारों को इकट्ठा किया है। स्वाभाविक रूप से भागीदारों का ऐसा आधार अन्य परियोजनाओं के लिए एक स्वादिष्ट निवाला है, दोनों ईमानदार और कपटपूर्ण। इसलिए स्कैमर्स एआई मार्केटिंग के बारे में लगन से गपशप फैलाते हैं, लोगों को अपने जाल में खींचने की कोशिश करते हैं। इसलिए आज एम रेडियो पर हम एआई मार्केटिंग के बारे में मुख्य संदेशों का विश्लेषण करते हैं और जांचते हैं कि उनमें कितनी सच्चाई और कितनी गपशप है। इसलिए परिकथा संख्या एक, रोबोट मौजूद नहीं है, वे सिर्फ पैसा इकट्ठा करते हैं। एआई मार्केटिंग साइट से 20,000 स्टोरों में से किसी पर जाते समय तकनीकी रूप से तैयार न किया गया उपयोगकर्ता भी एड्रेस बार में देख सकता है कि वह पहले कैशबैक एग्रीगेटर की साइट पर जाता है और फिर सीधे स्टोर की साइट पर जाता है। इसके अलावा बिक्री अनुभाग में प्रत्येक निवेशक अपने निवेश का उपयोग करके बनाए गए विज्ञापन के कारण यह देख सकता है कि खरीदारी किन दुकानों में हुई। हमने बार बार सबसे बड़े स्टोरों से पूछताछ की है, आली एक्सप्रेस, आईहर और अन्य, इस बारे में कि क्या वे मार्केटिंग के साथ काम करते हैं, और हमेशा एक सकारात्मक उत्तर प्राप्त होता है कि हाँ, मार्केटिंग उनके भागीदारों में से एक है। एक समझदार व्यक्ति समझता है कि नामित स्टोर सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय निगमों से संबंधित है और निश्चित रूप से उनकी व्यावसायिक प्रक्रिया के काम करने के तरीके का जवाब देते हैं, न कि एआई मार्केटिंग या किसी और को खुश करने के लिए। क्या कोई रोबोट है तथाकथित मार्केट बॉट? जैसा कि एआई मार्केटिंग वेबसाइट पर लिखा गया है, मार्केट बॉट एक ऐसी तकनीक है जो आपको उपभोक्ता मांग की भविष्यवाणी करने की अनुमति देती है और फिर इस पूर्वानुमान के परिणामों के अनुसार प्रभावी विज्ञापन अभियान स्थापित किए जाते हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस तकनीक को मार्केट बॉट कहा जाएगा या कुछ और, लेकिन यह तथ्य कि विज्ञापन कंपनियां उच्च आय प्रदान करती है, प्रत्येक निवेशक के कार्यालय में स्पष्ट है, और परिकथा संख्या 7 पर चर्चा करते समय हम इस बारे में अधिक विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ रहे। और अब आइए परिकथा संख्या 2 की ओर मुड़े। यह सब क्रिप्टोकरेंसी की दर पर निर्भर करता है। एक बार जब रूसी अधिकारियों के अवरुद्ध होने के कारण एआई मार्केटिंग अपनी व्यावसायिक प्रक्रिया को पुनः कॉन्फ़िगर कर रहा था, तो उन्हें एक महीने के लिए भागीदारों को भुगतान निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक महीने बाद भुगतान बहाल कर दिया गया और भागीदारों को इस महीने के लिए पारिश्रमिक प्राप्त हुआ। लेकिन समय के साथ
ये तकनीकी परिवर्तन क्रिप्टोक्यूरेंसी दरों में गिरावट के साथ मेल खाते हैं। जो लोग यह नहीं समझते हैं कि विज्ञापन व्यवसाय कैसे काम करता है, उन्हें संदेह है कि शायद एआई मार्केटिंग और क्रिप्टो बाजार में होने वाली प्रक्रियाओं के बीच कुछ समान है। इसके अलावा यह संस्करण बड़ी संख्या में दंतकथाओं के साथ ऊंचा हो गया था और आज सबसे लोकप्रिय परियों की कहानियों में से एक है। क्या एआई मार्केटिंग व्यवसाय में क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग किया जाता है? हाँ, लेकिन केवल उन भागीदारों द्वारा पैसे जमा करने और निकालने के साधन के रूप में जो इस पद्धति को सबसे सुविधाजनक पाते हैं। परिकथा संख्या 3 में निवेशकों के पैसे से भागना चाहते हैं, यह एक घोटाला है। इस परिकथा को समझने के लिए आइए घोटाले की परियोजनाओं की सबसे विशिष्ट विशेषताओं को याद करें। उनकी दो मुख्य विशेषताएं हैं, घोटाले की परियोजनाएं अधिकतम कई महीनों तक मौजूद रहती हैं और कभी कभी केवल कुछ सप्ताह। घोटाले की परियोजनाएं लगातार सक्रिय रूप से उनमें निवेश की मांग कर रही है। हम एआई मार्केटिंग में क्या देखते हैं? पहला, यह व्यवसाय 5 वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में है। दूसरा, दुनिया भर में लाखों लोग बिना किसी निवेश के एआई मार्केटिंग से पैसा प्राप्त करते हैं। अपनी खरीद से कैशबैक के रूप में। परिकथा संख्या 4, यह एक पिरामिड है। लोग अक्सर एक बहुस्तरीय व्यवसाय और एक पिरामिड योजना को भ्रमित करते हैं और अगर एमएलएम व्यवसाय में कुछ भी बुरा नहीं है तो पिरामिड से कुछ तेजी से नकारात्मक निकलता है। क्या आप जानते हैं कि बहुस्तरीय व्यवसाय और पिरामिड योजना के बीच मुख्य अंतर क्या है? एक वास्तविक एमएलएम व्यवसाय में हमेशा एक उत्पाद होता है। यह कुछ भी हो सकता है, सौंदर्य प्रसाधन, स्लिमिंग कॉकटेल या विज्ञापन, जैसा कि एआई मार्केटिंग में है। और इस मामले में व्यापार प्रक्रिया में भाग लेने वालों को पुरस्कृत किया जाता है क्योंकि ऐसे उत्पाद की बिक्री से लाभ होता है। और सिद्धांत रूप में पिरामिड में कोई उत्पाद नहीं है, बस धन का पुनर्वितरण है, नए शामिल होने वाले प्रतिभागियों से लेकर पहले शामिल होने वालों तक। हमने पहले ही इस तथ्य के बारे में बात की थी कि परिकथा नंबर 1 का विश्लेषण करते समय इस कार्यक्रम में एआई मार्केटिंग का मुख्य उत्पाद इंटरनेट विज्ञापन है। परिकथा संख्या 5, बिना निवेश के धन प्राप्त करना असंभव है। किसी कारण से लोग अपने दोस्तों और दोस्तों से उपहार स्मृति चिन्ह प्राप्त करने पर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होते हैं। और एक स्मारिका क्या है, उदाहरण के लिए छुट्टी से और एक दोस्त को भेंट की। यह सिर्फ अच्छे रवैये, इस व्यक्ति के प्रति वफादारी का संकेत है। जब वे अपने नियमित ग्राहकों को उपहार देते हैं तो कुछ स्टोर खुद को वफादारी की समान अभिव्यक्तियों की अनुमति देते हैं। उच्च प्रतिस्पर्धा के कारण यह उनका मजबूत कदम है। एआई मार्केटिंग जैसी कंपनियों ने इसके चारों ओर एक व्यवसाय बनाया है। वे ग्राहकों को विशिष्ट स्टोर में लाते हैं, उन स्टोर से भुगतान प्राप्त करते हैं और उन्हें ग्राहकों के साथ साझा करते हैं। क्या ऐसे खरीदारों को बिना निवेश के यूं ही पैसा मिलता है? औपचारिक रूप से हाँ, लेकिन गहरे स्तर पर स्टोर ग्राहक को उस विशेष स्टोर को चुनने के लिए भुगतान करता है। इसके अलावा एआई मार्केटिंग में संबद्ध भुगतान क्या उन्हें निवेश के बिना प्राप्त धन माना जा सकता है? अगर आपने किसी को एआई मार्केटिंग में आमंत्रित किया है तो इसका मतलब है कि आपने अपने दोस्त को आमंत्रित करने में समय और ऊर्जा खर्च की और ये आपके प्रयासों का भुगतान पार्टनर इनाम द्वारा किया जाता है। वास्तव में यह एक बिक्री प्रबंधक के समान पारिश्रमिक है। परिकथा संख्या 6, वे एनबीओ के माध्यम से धन जुटाते रहते हैं। उन क्षणों में जब एआई मार्केटिंग में तकनीकी विफलताएं होती हैं,
प्रतिस्पर्धी और स्कैमर्स कंपनी के कथित आसन बंद होने के बारे में खुशी से बात करना शुरू कर देते हैं। एआई मार्केटिंग के अनुभवी साझेदार पहले ही इस सर्कस को एक से अधिक बार देख चुके हैं, इसलिए जो कुछ भी हो रहा है उस पर वे काफी शांति से प्रतिक्रिया करते हैं। और संदेह करने वाले या अभी भी अनुभवहीन भागीदारों को याद होने लगता है कि ऐसी परियोजनाओं के बंद होने से पहले घोटाले की परियोजनाओं में क्या हुआ था जिसमें उन्होंने भाग लिया था। सबसे अधिक बार अतिरिक्त धन का संग्रह होता है, लेकिन एआई मार्केटिंग के प्रतिनिधि इसके विपरीत तकनीकी अशांति के समय सिस्टम में अतिरिक्त धन जमा नहीं करने के लिए कहते हैं। यहाँ ठगो आरोपियों का तर्क टूट जाता है, कैसा है, कोई अतिरिक्त धन उगाहने नहीं है। वहीं एआई मार्केटिंग के पार्टनर आईएनडी नेटवर्क के साथ भी काम करते हैं, जो एआई मार्केटिंग का पार्टनर है। एआई मार्केटिंग में होने वाली प्रक्रियाओं के बावजूद आईएनडी नेटवर्क में भागीदारों को पहले किए गए कार्यों के लिए बोनस प्राप्त करना जारी है, और कभी कभी इस बोनस को प्राप्त करने के लिए भागीदारों को आंतरिक मुद्रा खरीदने की आवश्यकता होती है, एनबीओ। यह वह प्रक्रिया है जिसे द्वेषपूर्ण आलोचक धन के अतिरिक्त संग्रह को कॉल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह तर्क आलोचना के लिए खड़ा नहीं होता है, क्योंकि तकनीकी पुनर्गठन के समय कोई भी एआई मार्केटिंग भागीदारों को एनबीओ खरीदने के लिए मजबूर नहीं करता है। यह बाद में किया जा सकता है, सिस्टम पूरी तरह से चालू और बिना किसी जोखिम के। परिकथा संख्या 7, एक वास्तविक व्यवसाय पर इतनी अधिक आय प्राप्त करना असंभव है। और बिजनेस में आपको सबसे ज्यादा इनकम क्या मिल सकती है, बेशक यह व्यापार क्षेत्र पर निर्भर करता है, और आज यह स्पष्ट है कि व्यवसाय के नए क्षेत्र पिछली पीढ़ियों के व्यवसाय की तुलना में अधिक लाभप्रदता प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए आईटी पहले से ही 13 से अधिक लाभदायक है। यह उन व्यवसायियों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है जो पूरी दुनिया में तेल और गैस व्यवसायियों की जगह लेते हैं। उदाहरण के लिए फोर्ब्स की आज और 20 साल पहले की सूचियों की तुलना करें। सबसे अधिक लाभदायक प्रकार के आईटी व्यवसाय में से एक विज्ञापन यातायात आर्बिट्रेज है। सबसे सक्षम विशेषज्ञ इस पर प्रति माह 200% से 400% कमाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, विज्ञापन यातायात आर्बिट्रेज एआई मार्केटिंग में व्यावसायिक प्रक्रिया का सार है। बेशक अनुकूलित विज्ञापन अभियानों से उच्च आय प्राप्त करते हुए एआई मार्केटिंग अपने भागीदारों को एक महत्वपूर्ण इनाम देता है। जो लोग चाहते हैं वे बहुत आसानी से बैठ सकते हैं और इस प्रक्रिया के अर्थशास्त्र की गणना स्वयं कर सकते हैं, और हम निश्चित रूप से ट्रैफिक आर्बिट्रेज विशेषज्ञों को उनके साथ एक साक्षात्कार में पेशेवरों के होठों से सब कुछ सुनने के लिए एम रेडियो में आमंत्रित करेंगे। परिकथा संख्या 8, आई मार्केटिंग एक MLM व्यवसाय है। कुछ साझेदार मानते हैं कि एआई मार्केटिंग एक MLM व्यवसाय है, लेकिन यह एक गलती है। एआई मार्केटिंग में संबद्ध पारिश्रमिक का केवल एक स्तर है। एक स्तर की उपस्थिति बहुस्तरीय विपणन की अवधारणा के अनुरूप नहीं है। वहीं एआई मार्केटिंग आईएनबी नेटवर्क कंपनियों के साथ सहयोग करता है, लेकिन आईएनबी नेटवर्क की मुख्य गतिविधि बहुस्तरीय मार्केटिंग है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह एक अलग कंपनी है, और एआई मार्केटिंग उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या में से केवल 19% ही आईएनबी नेटवर्क सेवाओं के समानांतर काम करते हैं। परिकथा संख्या 9, उनके पास पहले भी घोटाले थे। मार्केटिंग 5 से अधिक वर्षों से विज्ञापन बाजार में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इस समय के दौरान कंपनी के काम में 4 प्रमुख तकनीकी विफलताएं थी,
लेकिन इनमें से प्रत्येक विफलता के बाद काम को पूरी क्षमता से बहाल कर दिया गया और एआई मेकरिंग के भागीदारों को अपना सारा पारिश्रमिक प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से अगर वे एआई मार्केटिंग और आईएनबी के अनुसार काम कर रहे थे। नेटवर्क सिस्टम नियम। यदि आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं, एम रेडियो पर कार्यक्रम ए मार्केटिंग का इतिहास सुने। परिकथा संख्या 10। उनके पास मोबाइल ऐप है जिनका उपयोग आप वेबसाइट के बजाय कर सकते हैं। यह सत्य नहीं है। भागीदारों के साथ ब्रीफिंग में एआई मार्केटिंग के प्रतिनिधि ने बार बार रिपोर्ट किया है कि केवल कंपनी की वेबसाइट ही एआई मार्केटिंग उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। कंपनी के पास एप्पल स्टोर या गूगल प्ले पर प्रकाशित कोई भी मोबाइल ऐप नहीं है। हालांकि अगर हम गूगल प्ले और एप्पल स्टोर की ओर रुक करते हैं तो हम देखेंगे कि मोबाइल एप्लीकेशन नियमित रूप से दिखाई देते हैं, जैसे कि दृश्य और रंग योजना में मार्केटिंग। सावधान रहें, ये स्कैमर है। कपटपूर्ण योजना का सार इस प्रकार है। उपयोगकर्ता एप्लीकेशन डाउनलोड करता है, उसमें अपने खाते से लॉगिन और पासवर्ड दर्ज करता है, एप्लीकेशन इस डेटा को सहेजता है और इस प्रकार धोखेबाजों को डेटा प्राप्त होता है, जिसके साथ वे उपयोगकर्ता के वास्तविक खाते को एआई मार्केटिंग पर दर्ज कर सकते हैं। वेबसाइट और उसके पैसे का निपटान। एम रेडियो के प्रिय श्रोताओं, यदि आपने मार्केटिंग के बारे में कुछ और सुना है जो आपको संदेह का कारण बनता है, इस मुद्दे पर टिप्पणियों में लिखें और हम निश्चित रूप से इसकी जांच करेंगे और एम रेडियो के अगले संस्करणों में आपके साथ विवरण साझा करेंगे। बने रहें।